वाकई चार चांद नहीं 50 चांद लग गए हैं, जैसा कि महापौर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम ने भी कहा है, और वह केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के साथ बरेली और दिल्ली के बीच शुरू हुई पहली हवाई सेवा में बैठकर बरेली पहुंचे हैं। इस मौके पर बरेली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बरेली के स्थानीय भाजपा के विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने, शहरवासियों ने पहली फ्लाइट में दिल्ली से आए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का खैर मकदम किया, स्वागत किया है। इस मौके पर क्या बोले हैं महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, क्या बोले हैं केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी, इसके अलावा डॉक्टर केशव अग्रवाल और भाजपा के कद्दावर नेता गुलशन आनंद, सबकी बात हम सुनवा रहे हैं। कितने खुश हैं पहली यात्रा में, पहली बार बरेली और दिल्ली के बीच में उड़ने वाले लोग और हवाई यात्रा करने वाले लोग, वो भी हम दिखा रहे हैं, और साथ ही किस तरीके से जोरदार तरीके से बरेली एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है, सिविल इनक्लेव पर स्वागत हुआ है, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वास्तव में बरेली के लिए यह ऐतिहासिक अवसर है। बहुत लंबे समय से मांग थी कि बरेली वायु सेना के मंच पर एक सही ढंग से आ जाए, और आज उसकी शुरुआत हुई है। हम दिल्ली से बरेली एलायंस एयर के विमान से यहां पर आए हैं, और ये वास्तव में सौभाग्य की बात है। और अब जल्दी ही यहां से अन्य शहरों के लिए भी उड़ानें होंगी। मुझको कल ही दूसरी एयरलाइन के लोग मिले थे जो बेंगलोर और मुंबई के लिए जाने की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से बरेली एक अच्छे ढंग से एक एयरपोर्ट यहाँ का विकसित होगा, और इससे उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों के लिए यहाँ पर यात्राएं मिलेंगी। मैं बताना चाहूँगा कि कम से कम 2-3 वर्षों से तो लगातार हम संपर्क में थे, और पिछला पूरा साल चूँकि कोविड में बीत गया इसलिए देरी हो गई, पर अब एक सही ढंग से सही व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी को इस अवसर की शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, और आज जबकि सारे लोग हमारे साथ हैं, माननीय विधायक जी, माननीय नगर प्रमुख जी सब हमारे साथ हैं, और बरेली के सारे विधायक, सारे सांसद, मेयर साहब के सहित हमारे साथ दिल्ली से बरेली यहाँ पर आज के इस पल में अपने आप को जोड़ने के लिए आए हैं। मेयर साहब अपने साथ में, मैं चाहूँगा वो कुछ कहें इसमें। सौभाग्य की बात है कि आज के दिन यात्रा हो रही है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है, तो वास्तव में मैं सारे बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज खास बात यह कि अलायंस एयर के विमान को चलाने की चालक महिला थी, और पूरा स्टाफ भी महिला हमारे साथ आया था। अब मैं चाहूँगा कि मेयर साहब कुछ कहें। देखिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी के नेतृत्व की वजह से बरेली को ये एयरपोर्ट मिला है, और इससे बरेली के विकास को 4 नहीं 50 चांद लगने वाले हैं। सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इससे खाली पर्यटन से लेके इंडस्ट्री, एजुकेशन, हर चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा, और अब बरेली का विकास सरपट दौड़ने वाला है। तो हम सब उसके विकास के सहयोगी बने, और आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उस पर सभी मातृशक्ति को बधाई। एलायंस एयर जिनकी CEO भी महिला हैं, पहली महिला CEO हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग फ्लाइट में साथ में आए हैं, सारा चालक दल से लेके सभी लोग महिला उसमें थी, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छा
बरेली के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी बधाई कि उन्होंने स्मार्ट सिटी को एयरपोर्ट से जोड़ दिया है। देखिए, आज के इस अवसर पर हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सब उड़े सब जुड़े, उड़े देश का हर नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, इसको और आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी, देश की राजधानी और देश के और बड़े शहरों से जोड़ने का कार्य किया, आज उत्तर प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट ये संचालित हो रहा है। मैं इस अवसर पर बरेली वासियों को, बरेली मंडल आसपास जो ज़िले हैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हम देखिए, ये बहुत ही अच्छी हमारी शुरुआत है जो हमारे भारत सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय संतोष गंगवार जी के प्रेरणा से इस चीज़ को जो आगे बढ़ाया है, बरेली के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बरेली का इससे विकास बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। यहाँ पर 3-3 मेडिकल कॉलेज हैं, कई इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज, 2-2 यूनिवर्सिटी हो गई हैं। इस तरह से इतने बच्चे बाहर से आते हैं, पूरे कंट्री से, पूरे ईस्ट से लेके साउथ तक हमारे पास, स्पेशली रोयलगंज मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे आते हैं, त्रिपुरा और मेघालय से लेके और महाराष्ट्र, साउथ चेन्नई तक से आते हैं, तो उनके पेरेंट्स को, उनके बहन भाइयों को, उनकी फैमिली को आने को बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ अब यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म का भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनके लिए स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम से हमारे पास इंक्वायरीज़ हैं कि आप हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक्स पे स्पेशली कुछ काम कराइए, हम लोग आने को तैयार हैं, एयरपोर्ट शुरू होते हम आ जाएंगे। तो इसी तरीके से और भी हॉस्पिटल्स हैं, और भी कॉलेजेस हैं जिनके यहाँ इस तरह से मेडिकल टूरिज्म में लोग आएंगे, एजुकेशन का स्टैंड बढ़ेगा, मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा, रेस्टोरेंट्स होटल्स का सबका बढ़ेगा, और जब इतना सब कुछ बढ़ेगा तो बरेली का विकास भी होगा, सड़कें भी बनेंगी, होटल्स भी बनेंगे, रेस्टोरेंट्स भी बढ़ेंगे, पब्लिक को फ़ायदा होगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना शुरू होगा। तो मैं माननीय अपने मंत्री श्री संतोष गंगवार जी के बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कम से कम एक बरेली के अंदर शुरुआत कराई, और जैसे ही बरेली से सारी शुरुआत होंगी, बॉम्बे, बेंगलोर, लखनऊ, सारी जगह, तो एकदम बहुत तेज़ी से विकास होगा। इसलिए मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अरे, संतोष गंगवाल जी के प्रयास सफल हुए, पूरी बरेली और पूरा जमाना देख रहा है, फिर एक बार मोदी है तो मुमकिन है। वादे जो जो किए गए सरकार ने सब पूरे किए, देर है परंतु अंधेर नहीं है। मेरा नाम है सर्वेश यादव, दिल्ली जा रही हूँ। बरेली से पहली उड़ान भर रही है, बहुत खुशी हो रही है आज, दिल्ली से पहली उड़ान हो रही है यहाँ से, बरेली से, और ये सौभाग्य मुझे बेटी के द्वारा दिया गया है, महिला।